देखिए गाइस, आज की हमारी रेसिपी ठेकुआ की रेसिपी, जो कि एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि बिहार में छठ पूजा में काम आती है। ठीक है, ये प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करी जाती है। तो देखिए कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी है, इसके देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी है। तो आप इसे इस वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि इतनी क्रिस्पी और इतनी खस्ता ठेकुए कैसे बनाएं। तो देखिए हमारी पूरी वीडियो, चलिए एक तोड़ के दिखाते हैं आपको कि कितना खस्ता और कितना यम्मी है। ये देखिए कितना प्यारा, कितना यम्मी टेस्टी खस्ता हमारा ठेकुआ है। तो आप पूरी वीडियो देखिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी ठेकुआ, जो कि बहुत इजी ढंग से हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से। ठीक है, तो ये गेहूं का आटा एक कटोरी, ये हमारा पौन कटोरी दूध, ये हमारा घी मेल्ट कर लिया है जिसको, ये हमारी हाफ कटोरी चीनी, तो जितना ऐड होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिएगा वीडियो हमारी पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा और अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये देखिएगा हमने इसमें आटा डाल लिया है। देखिए हाफ कटोरी चीनी है, जो कि हम ऐसे नहीं डालेंगे, हम हाफ कटोरी चीनी इसमें अपनी करेंगे, इस चीनी का हाफ, और इसमें हम हाफ ऐड करेंगे दूध। ठीक है, और इसको हम रख देंगे इसी तरह से। ठीक है, तो ये घुल जाएगी। ये रहेगा इस घी, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में घी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें घी थोड़ा सा अधिक लगता है, तो इसको इसका हम मोयन लगाएंगे, जैसे हम हर चीज में मोयन लगाते हैं। ये देखिएगा अभी हमारा आटा बिखर रहा है, तो ये अभी मोयन नहीं अच्छे से लगा, तो इसमें घी हम और डालेंगे। ठीक है, तो हमने सारा घी डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिएगा इस अच्छे से मोयन लगाना ऐसे ही करते, देखिए इसमें गांठे गांठे जैसे बन गई है। और अब हम इसको लेंगे, तो ये हमारा देखिए बन रहा है पूरा, तो बिखर भी नहीं रहा, तो इसी तरह से हमको अब करना है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से कर लिया है, अपना दूध देख लेते हैं। ये देखिएगा इस हमने लगभग चीनी थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, बट अभी मेल्ट नहीं हुई है, तो ये पूरी घुली हुई चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से ठीक, क्योंकि इसमें दाने दाने दिखने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम मेल्ट कर, ये देखिए गाइस हमने हाफ दूध लिया था। ठीक है, जो कि हमने चीनी में ऐड किया था, आपने देखा था, और अब ये अच्छे से हो गया है। ये देखिए बन रहा है, तो बस हमें इसी तरह से रखना है और इसके ठेकुए बनाने हैं। देखिए गाइस, इसको हमें डो की तरह नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि डो की तरह हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, बस ऐसे ही दूध में चीनी थोड़ा सा, आप हाफ चीनी ले लीजिए और उसमें दूध इतना डालिए कि चीनी हमारी चिपा, मतलब चीनी हमारी उसके अंदर हो जाए, बस। देखिए गाइस अब हो चुका है, अब इसको रखना नहीं है, वरना चीनी गर्मी है इस समय तो मेल्ट हो जाएगी चीनी। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटी सी बॉल लेंगे अच्छे से, और इसको हम एक बनाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से, और हल्का सा राउंड कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा बिखरेगा, क्योंकि टाइट है, आटा की तरह डो नहीं हमने लगाया है। ये देखिए इसको अब हम ऐसे प्रेस कर देंगे, तो ऐसे करके अच्छे से प्रेस करेंगे, और ये क्रैक्स को, ये देखिए कितनी अच्छी सी डिजाइन बन गई है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से बना के साइड में रखते जाएंगे। बस ये ध्यान रहे, ये थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन बहुत मोटा भी नहीं होता है। ठीक है, और बहुत पतला भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम बनाते हुए रख लेंगे। और गाइस एक चीज और, अगर ये क्रैक्स आपको दिखते हैं, तो इसका इंडिकेशन है कि आपके ठेकुए बहुत अच्छे से बने हैं। इस तरह से चीनी थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं आप, मगर ज्यादा चीनी कर देंगे या ज्यादा मोयन कर देंगे तो ये हमारे ऑयल या घी में फैल जाएंगे। ठीक है, पकाते समय, इसलिए ये देखिए आप जिस सेप का चाहें आप उस सेप का कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से देखिए गाइस, एक और डिजाइन हम आपको बताते हैं, सिंपल सा। ऐसे हमने गोल कर लिया, और उसका हमने लंबा लंबा ऐसे कर दिया, देखिए आप दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे कर दिया है। ठीक है, इस तरह से इतना, और इसको आप हथेली पर रख के ऐसे दबाएंगे, और उसके बाद में हम इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे, हल्का सा शेप देंगे इसको। ठीक है, लीफ की तरह का, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से हम सेब देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया है, लीफ बनकर आई है, ये देखिए। तो इसी तरह से भी बना सकते हैं आप। देखिए गाइस, इसमें हम डिजाइन देते हैं। तो एक इस तरह से ग्लास ले लें, ठीक है, या एक ग्लास, और हल्का हल्का सा इम्प्रेशन देते हैं इस तरह से, थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे देखने में इस तरह से। ये देखिए एक और हम आपको दिखाते हैं। ये अपनी फॉग ले ली, उसमें हम ऐसे करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बस सब तरफ से इम्प्रेशन दे रहे हैं इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से लग रहा है। और ये देखिए एक में इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह से बना लेंगे। देखिएगा एक डिजाइन और बताते हैं। ये हमारी फॉग है, उसको हम ऐसे हल्के से इम्प्रेशन देंगे, और लीफ है, ये लीफ हमने बनाई है, तो इसको लीफ की ही तरह से इम्प्रेशन देंगे इस तरह से। ये देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिजाइन। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे हमने अपने कढ़ाई में घी ले लिया है और थोड़ा सा आंच पर रखा हुआ है, ठीक है। आपको ये गंदा दिख रहा होगा गैस, क्योंकि हमने एक सेक कर भी देखा था। ये देखिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जो इसमें ऊपर दाने रहते हैं वो हमारे ऑयल में आ जाते हैं, ठीक है। हम इसके फायदे भी बता रहे हैं, इसके नुकसान भी बता रहे हैं। जो ऑयल में दाने आ जाते हैं ना, तो वो मेल्ट हो जाते हैं, इस वजह से ऑयल गंदा हो जाता है थोड़ा सा। इसलिए थोड़ा ही तेल लें जितने में हमारे ठेकुए बन जाए, ठीक है। इस तरह से एक बार में जितने आ जाए बस उतने ही ऐड करने हैं, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं डालने हैं, ठीक है। तो हम इतने इतने सेकते हैं, फिर मिलते हैं भाई। देखिए डालने के बाद में फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है और धीमी धीमी आंच पर इसको सेकना है, ठीक है। आप अगर आप पीसी चीनी लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम आई है ऑयल गंदा होने की, वो प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप पीसी चीनी लेते हैं तो। एक बात और गाइस, जैसे आप ये सेक रहे हैं, इसको सिक रहा है, ठीक है, फ्राई हो रहा है, तो इसको आप टच नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप बिल्कुल टच करेंगे जरा सा भी, तो ये हमारे फट जाएंगे। इस वजह से इनको हमें टच नहीं करना जब तक इनकी नीचे की लेयर अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। ये देख सकते हैं गाइस, हल्की हल्की सी दिखने लगी कि हमारी सीख चुकी है। तो इस टाइम पर हम हल्के हाथों से बिल्कुल इसको टर्न करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल भारी हाथों से नहीं, क्योंकि भारी हाथ से जरा सा भी लगा तो ये हमारे टूट जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया गोल्डन हुए हैं। तो इसी तरह से इनको हम सेक लेंगे अच्छे से, बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए गाइस, अच्छे से पक गया है, और इधर भी ये देखिए गाइस, अच्छे से हो गया है, और पीछे भी अच्छे से हो गया है, ये देख सकते हैं। तो इनको हम निकाल के अलग प्लेट में रखेंगे इस तरह से, तो सारे ही निकालते हैं। ये देखिए कलर देख सकते हैं आप, कितना प्यारा आया हुआ है। ये देखिए गाइस, लगभग लगभग एक बैच सिकने में 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। आप जितना मोटा रखेंगे उतना टाइम लगेगा, और जितना कम मोटा रखेंगे उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। फिलहाल थोड़े से मोटे ही होते हैं, लेकिन इनका सिकने का प्रोसेस इसी पे है कि जितना मोटा रखेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना कम रखेंगे मोटा उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं गाइस, ऑयल में ये देखिए, ये चीनी जो मेल्ट हो जाती है, ये देखिए, इसी को हम बोल रहे थे। इस तरह से आप चीनी, जिस तरह से हमने बताया है, ठीक है, इस तरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम यही होती है कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाती है इसमें जो ऊपर की होती है, ठीक है, और जो अंदर होती है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए हमारा बन चुका है, तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, हमारे बनकर रेसिपी तैयार है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी यम्मी दिख रहे हैं। और गाइस ये देख रहे होंगे, ये कुछ ज्यादा आपको दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक, बट ये वही है जो हमने लास्ट में ये सिंका हुआ है घी, उसमें थोड़ा सा कम रह गया था, और जो चीनी मेल्ट हुई थी वही ये चिपक गया है, चीनी पीछे की चिपक गई है। इसी वजह से आप पीसी चीनी का ही ऐड करें, पीसी चीनी ऐड करें। तो अब दिखाते हैं आपको कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए
बहुत यम्मी और बहुत क्रिस्पी और ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए अभी फिलहाल गर्म है तो अभी उतने क्रिस्पी नहीं मालूम होंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब क्रिस्पी और कितने यम्मी होते हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।